गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, क्लास वन EVS स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम चैप्टर 8 माई नेबरहुड इसे रीड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे चैप्टर का नेम है माई नेबरहुड, मतलब मेरा आस पड़ोस। नेबरहुड का मतलब होता है आस पड़ोस। अब आस पड़ोस क्या होता है? जो जगह आपके घर के आसपास होती है वो सभी आपके नेबरहुड में आती हैं। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। द एरिया अराउंड अ हाउस इज कॉल्ड नेबरहुड। जो जगह आपके घर के आसपास है वो नेबरहुड है, मतलब आपका आस पड़ोस है। द पीपल हु लिव नेक्स्ट टू आर हाउस आर कॉल्ड आवर नेबर्स। जो लोग हमारे घर के बगल में रहते हैं वो सभी हमारे नेबर्स होते हैं। नेबर्स मतलब पड़ोसी। जो हमारे घर के आसपास रहने वाले लोग हैं, जो हमारे घर के आसपास के घर हैं उनमें जो लोग रहते हैं वो सभी क्या हुए? वो सभी हमारे नेबर्स हुए, मतलब हमारे पड़ोसी हुए। देयर आर मैनी प्लेसेस इन आर नेबरहुड। हमारे नेबरहुड में, हमारे आस पड़ोस में बहुत सारी जगह है। प्लेसेस मतलब जगह। दे गिव अस यूजफुल सर्विसेज, और वो जगह हमें यूजफुल सर्विसेज देती है, मतलब यूजफुल सेवाएं। तो देखते हैं हमें हमारे नेबरहुड से क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं और वो कौन सी जगह है जो हमारे नेबरहुड में है, उनके क्या नाम होते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट आपको पिक्चर भी दी गई है। ये किसकी पिक्चर है? ये है मार्केट के पिक्चर। तो मार्केट भी हमारे नेबरहुड में है, हमारे घर के आसपास पाई जाने वाली जगह है। और मार्केट से हमें क्या सर्विस मिलती है? वी बाय डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। हम मार्केट से बहुत सारी अलग अलग चीज़ें खरीदते हैं। तो जब हमें कुछ चीज़ खरीदनी होती है तो हम कहाँ जाते हैं? मार्केट में। तो मार्केट से हमें क्या सर्विस मिली? यहाँ से हम कुछ भी चीज़ खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है, देखो, क्लिनिक। अ क्लिनिक इज अ स्मॉल हेल्थ सेंटर। जो क्लिनिक है वो एक छोटा हेल्थ सेंटर है, मतलब एक छोटा स्वास्थ्य केंद्र है। वी विजिट क्लिनिक व्हेन वी फॉल सिक और गेट हर्ट। हम क्लिनिक कब जाते हैं? जब हम बीमार होते हैं या हमें चोट लग जाती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये भी हमारे नेबरहुड में आता है क्लिनिक। जब हम बीमार हो जाते हैं या हमें एकदम से चोट लग जाती है तो हम कहाँ जाते हैं? क्लिनिक। तो क्लिनिक से हमें क्या सर्विस मिली? क्लिनिक में जाके हमारा ट्रीटमेंट हो पाता है, हमारा इलाज हो पाता है। आपको याद रखना है, क्लिनिक एक छोटा हेल्थ सेंटर है, और जो हॉस्पिटल होता है, अस्पताल, वो एक बड़ी बिल्डिंग होता है और उसमें मरीज को एडमिट किया जाता है, उसका इलाज किया जाता है। और ये एक बिग हेल्थ सेंटर होता है, मतलब बड़ा स्वास्थ्य केंद्र। तो आपको यहाँ पे हॉस्पिटल और क्लिनिक, इसमें डिफरेंस समझ में आया? हॉस्पिटल एक बिग हेल्थ सेंटर है और क्लिनिक स्मॉल हेल्थ सेंटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताओ ये किसकी पिक्चर है? ये है पोस्ट, सॉरी लेटर बॉक्स। क्या है ये? लेटर बॉक्स। अब लेटर बॉक्स में क्या करते हैं? हमारे जितने भी लेटर्स होते हैं हम उन्हें लेटर बॉक्स में पोस्ट करते हैं। वी पोस्ट आर लेटर्स इन द लेटर बॉक्स। द पोस्टमैन कलेक्ट्स लेटर टू द पोस्ट ऑफिस। हम लेटर बॉक्स में अपने लेटर को डालते हैं और पोस्टमैन आता है, लेटर बॉक्स में से सारे लेटर्स को कलेक्ट करता है और उसके बाद उन लेटर्स को जहाँ पे हमें वो लेटर्स पहुँचाने होते हैं उन जगहों तक पहुँचाने का काम पोस्टमैन करता है। तो ये भी हमारे नेबरहुड में, आस पड़ोस में पाई जाने वाली जगह है जिसे पोस्ट ऑफिस कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, बताओ ये किसकी पिक्चर है? ये है पार्क। अब पार्क हमारे आस पड़ोस में पाया जाता है, हमारे नेबरहुड में पाई जाने वाली जगह है। वी प्ले विद आर फ्रेंड्स इन द पार्क। हम पार्क में अपने फ्रेंड्स के साथ खूब मस्ती करते हैं और खेलते हैं। तो पार्क से आपको क्या सर्विस मिली? ये हमारा एक एंटरटेन प्लेस है, यहाँ पे जाके हम बहुत सा फन और मजा करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, स्कूल। स्कूल भी हमारे नेबरहुड में पाई जाने वाली एक जगह है। अब स्कूल में देखिए, वी गो टू स्कूल टू स्टडी। स्कूल में हम क्यों जाते हैं? स्टडी करने, पढ़ाई करने। स्कूल में जाके हम बहुत सी चीज़ें सीखते हैं और एक अच्छे इंसान बनते हैं।
नेक्स्ट देखो, ये है पुलिस स्टेशन, ये भी हमारे नेबरहुड में पाया जाता है। अब पुलिस स्टेशन में देखिए, द पुलिस कीप आर नेबरहुड सेफ। जो पुलिस होती है पुलिस स्टेशन में, वो हमारे नेबरहुड को सेफ रखती है, सुरक्षित रखती है। हमारे आस पड़ोस में कोई भी गलत काम ना हो, चोरी ना हो, कुछ भी गलत ना हो, इनका ख्याल कौन रखता है? पुलिस। तो हमारे आस पड़ोस की सुरक्षा करना पुलिस का काम है। अब नेक्स्ट देखो, नीचे आपको और पिक्चर्स दी गई हैं। ये भी हमारे नेबरहुड में पाई जाने वाली जगह हैं, जिन्हें कहते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप। वर्शिप का मतलब होता है पूजा। अब ये वो जगह है जहाँ पे जाके लोग पूजा करते हैं। वर्शिप मतलब पूजा। तो चलिए देखिए, ये फर्स्ट पिक्चर है गुरुद्वारा। क्या कहते हैं इसे? गुरुद्वारा। अब गुरुद्वारा में पूजा करने कौन लोग जाते हैं? सिख लोग जाते हैं। जो सिख्स होते हैं वो गुरुद्वारे में जाके पूजा करते हैं और भगवान को शुक्रिया करते हैं, थैंक्स करते हैं। नेक्स्ट देखो, ये है टेंपल, मतलब मंदिर। मंदिर में हिंदूस, जो हिंदू लोग होते हैं, वो जाके पूजा करते हैं और भगवान को थैंक्स करते हैं। अब नेक्स्ट देखो, ये है चर्च। चर्च को हिंदी में कहते हैं गिरजाघर। अब चर्च में जाके कौन पूजा करता है? क्रिश्चियंस। जो क्रिश्चियंस होते हैं वो चर्च में जाके पूजा करते हैं और गॉड को थैंक्स करते हैं। क्रिश्चियंस को हिंदी में कहते हैं ईसाई। अब लास्ट पिक्चर देखो, बताओ ये कौन सी पिक्चर है? ये है मॉस्क्यू, मतलब मस्जिद। और मॉस्क्यू में पूजा करने जाते हैं मुस्लिम्स। जो मुस्लिम्स होते हैं वो मॉस्क्यू में पूजा करते हैं और भगवान को थैंक्स करते हैं। तो ये हमने पढ़ा प्लेसेस ऑफ वर्शिप। तो ये वो सभी जगह है जो हमारे आस पड़ोस में पाई जाती है। देखो बच्चों, आपके आस पड़ोस में भी आपने बहुत सी जगह देखी होगी, तो वो यही जगह होगी ना जो हमने पढ़ी है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, पुलिस स्टेशन, स्कूल, पार्क, मार्केट, क्लिनिक। तो ये सभी जो जगह है, ये हमारे आस पड़ोस में पाई जाती है। तो आपको क्या करना है? देखो, ये जो हमारे आस पड़ोस की जगह है, ये हमें बहुत सारी सर्विसेज देती हैं, यानी इनसे हमें बहुत सी सेवाएं मिलती हैं। तो हमें क्या करना है? इन जगहों को, जो हमारा नेबरहुड है, उसे क्लीन रखना है, साफ रखना है। अगर आप कहीं भी जाते हो, लाइक मार्केट, पार्क, क्लिनिक, टेंपल, गुरुद्वारा, पुलिस, कहीं भी जाते हो आप, स्कूल, तो आपको उन जगहों को साफ रखना है। कैसे साफ रखोगे? वहाँ पे गंदगी ना करके, जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है, कोई भी आपका जैसे वेस्ट पेपर्स है, खाली बॉटल है, तो आप उसको यहाँ वहाँ ना फेंक के डस्टबिन में डालो, कचरा करो ही मत, तो वहाँ पे गंदगी होगी ही नहीं। तो इस तरीके से आप इन जगहों को साफ रख सकते हो। तो सभी बच्चे अपने नेबरहुड को साफ रखेंगे ना? वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 8 माई नेबरहुड यहीं पे कंप्लीट होता है। अब आपको क्या करना है? आपको चैप्टर 8 को रीड करना है।